गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट के चाइल्ड को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट की सहायता से। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पेरेंट को किस तरह से प्राप्त किया जाएगा, सिबलिंग्स क्या होती हैं और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी डॉम कलेक्शन की। हमने देखा था कि जब हम फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और चाइल्ड नोड्स का इस्तेमाल करते हैं तब वहाँ पर हमको आउटपुट के अंदर एरे नहीं मिलता है, हम लोगों को मिलता है नोड लिस्ट। और नोड लिस्ट में हम लोग एरे के मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर अपनी एक रैपल बना ली है और इस रैपल का जो आउटपुट है उसको मैं नई टैब में खोलने वाला हूँ। और अब हम लोग देखेंगे कि टॉम कलेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनके बारे में देखेंगे, फिर सिबलिंग और पेरेंट पर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग डॉम कलेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये रीड ऑनली होती हैं, यानी कि आप लोग सिर्फ इनको रीड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग इस पर डायरेक्टली राइट कर दें, मतलब आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ कैसा नहीं कर सकते। codewithharry.com और यहाँ पर मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ, बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डॉलर ज़ीरो क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर एक एलिमेंट है और ये डॉलर ज़ीरो से मार्क्ड है, इसका मतलब कि आप लोग, आप देखो इस पर होवर करोगे तो लिख कर आ रहा है कि यूज़ डॉलर ज़ीरो इन द कंसोल टू रेफर टू दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट को रेफर करने के लिए आप लोग डॉलर ज़ीरो का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है डॉलर ज़ीरो। अगर आपने डॉलर ज़ीरो एंटर किया तो आप देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, आपके पास आ जाएगा ए एच रफ इजिकल टू, यानी कि ये वाला एलिमेंट। अगर मैंने इस एलिमेंट को सिलेक्ट किया होता तो अब डॉलर ज़ीरो दोबारा बदल जाएगा, ठीक है, और अब डॉलर ज़ीरो ये हो जाएगा, ठीक है। डॉलर वन भी होता है, ठीक है। डॉलर वन क्या होगा, जो आपने इससे पहले सेलेक्ट किया हुआ था। तो इस तरह से आप लोग डॉलर ज़ीरो, डॉलर वन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। अब यहाँ पर अगर मान लो कि मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, ये मेरा डॉलर ज़ीरो बन गया, मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कह दूँ डॉलर ज़ीरो और मैं कुछ इज इक्वल टू करके डॉलर वन कह दूँ और एंटर मारूँ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये एलिमेंट ही चेंज हो गया। आपका ये रेफरेंस ज़रूर अपडेट हो जाएगा लेकिन ये एलिमेंट चेंज नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो डॉम कलेक्शन होती हैं वो रीड ऑनली होती हैं, दे आर लाइव, ठीक है। अगर आपने मान लो एक डॉम कलेक्शन को, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर चाइल्ड नोट्स वाली जो कलेक्शन है उसको कुछ इस तरह से मान लो एक्सेस किया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा डॉलर ज़ीरो डॉट चाइल्ड नोड्स, डॉलर ज़ीरो डॉट चाइल्ड नोड्स, चाइल्ड नोड्स, तब आप लोग यहाँ पर देखो कि एक नोड लिस्ट आ गई, ठीक है। अब मान लो कि मैं डॉलर ज़ीरो के अंदर एक एलिमेंट और डाल दूँ तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, डॉलर ज़ीरो डॉट चाइल्ड नोड्स जो है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दे आर लाइव एलिमेंट डॉट एल एम डॉट चाइल्ड नोड्स, जो भी एलिमेंट है आपको उस पर अगर आपने चाइल्ड नोड्स को कॉल किया तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा अगर आपने एल एम के अंदर कोई और चाइल्ड डाल दिया, यानी कि जो उसके चाइल्ड हैं वो बढ़ गए, यानी कि आपने एक और चाइल्ड ऐड कर दिया अगर उसमें, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दे आर आइटरेबल यूजिंग फॉर ऑफ लूप, आप फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करके उन पर आइटरेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। और ये फॉर ऑफ लूप का आप लोग इस्तेमाल करना, फॉर इन लूप का इस्तेमाल मत करना, ठीक है। हालांकि अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो तो आप फॉर इन भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको सिर्फ आइटरेट करना है इनको तो फॉर ऑफ लूप का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब बात करते हैं सिबलिंग और पेरेंट की। सिबलिंग क्या होती है, मैंने आप लोग को बताया था, HTML के अंदर होता है हेड और HTML के अंदर होती है बॉडी। तो जो हेड और बॉडी हैं वो क्या है, आपस में सिबलिंग है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिबलिंग्स आर नोड्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट। सेम पेरेंट के चिल्ड्रन को सिबलिंग कहते हैं, जैसे कि रियल वर्ल्ड में कहते हैं सिबलिंग्स को, उसी तरह से सेम पेरेंट वाले नोड्स को सिबलिंग कहते हैं। हेड एंड बॉडी आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स हैव सेम पेरेंट इन द अबव एग्जांपल, इट्स HTML। बॉडी सेट टू बी द नेक्स्ट और राइट सिबलिंग ऑफ हेड एंड हेड इज सेट टू बी द प्रीवियस और लेफ्ट सिबलिंग ऑफ बॉडी। इसके लिए मैं काम करता हूँ यार, गेट बूट स्ट्रैप पर जाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि बात किस बारे में हो रही है। तो यहाँ पर मैं व्यू पेज सोर्स करूँगा। अब देखो HTML के अंदर है हेड, या फिर मैं एक काम करता हूँ बेसिक HTML डॉक, ठीक है, इमेजेस, और एक बेसिक सा मुझे HTML पेज चाहिए। अब देखो यार, आप लोग HTML के अंदर है हेड और HTML के अंदर है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ उस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बॉडी है वो नेक्स्ट सिबलिंग है हेड का, या फिर राइट सिबलिंग है हेड का। तो हेड का नेक्स्ट सिबलिंग है क्या, बॉडी, ठीक है, या राइट सिबलिंग है बॉडी। अगर आप इसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बनाओगे, अगर मैं यहाँ पर इसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बनाऊँ कुछ इस तरह से, तो जो हेड होगा, यहाँ पर देखो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जो बॉडी है वो क्या है, राइट सिबलिंग है HTML का, और हेड क्या है, लेफ्ट सिबलिंग है बॉडी का, ठीक है।
तो बॉडी का लेफ्ट सिबलिंग है HTML का नहीं, सॉरी, बॉडी का लेफ्ट सिबलिंग है हेड और हेड का राइट सिबलिंग है बॉडी, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है, हेड एंड बॉडी आर सिबलिंग्स, यहाँ पर लिखा है बॉडी सेट टू बी द नेक्स्ट और राइट सिबलिंग ऑफ हेड, ठीक है, बॉडी सेट टू बी नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ हेड, ठीक है, इसका नेक्स्ट सिबलिंग है। अगर यहाँ पर तीन होते तो बॉडी का जो ये पहला डिव है वो क्या है, चाइल्ड है, ठीक है। अब ये इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये वाला डिव का राइट सिबलिंग है, ये वाले डिव का राइट सिबलिंग है, ठीक है। आई होप आपको मेरा एरो दिख रहा है, ठीक है। तो बस ये बात लिखी हुई है, हेड सेट टू बी द प्रीवियस और लेफ्ट सिबलिंग ऑफ बॉडी। कभी भी इस तरह की बात है अगर आप लोगों को कन्फर्म करनी है तो सिंपली इसको इमेजिन करो इस तरह से, आपके HTML ट्री को इस तरह से इमेजिन करो और आपका काम यार हो जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई याद वाद रखने की चीज़ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग याद रखते हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ है इस तरह के कॉन्सेप्ट को, लोग याद रखते हैं, रटते हैं, राइट, रट्टा लगा लेते हैं, कहते हैं HTML बॉडी का ये है, हेड जो है वो प्रीवियस है और ये वाला नेक्स्ट है, उन्हें पता नहीं होता प्रीवियस नेक्स्ट क्या है, इसी रट्टा लगा लिया, ठीक है, ताकि एग्जाम में लिख कर आ जाए। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं करना है। द नेक्स्ट सिबलिंग इज इन नेक्स्ट सिबलिंग प्रॉपर्टी एंड द प्रीवियस वन इज इन प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर करके इसको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि $0 मेरा ये डेव है, देख रहे हो आप लोग। अब मैं अगर $0 डॉट नेक्स्ट सिबलिंग करता हूँ तो मुझे W फुल वाला मिल गया। देखो इसके बाद वाली सिबलिंग क्या है, इसके बाद वाली सिबलिंग है W फुल Z10 स्टिकी वाला है, ठीक है, W फुल Z10 स्टिकी वाला है। तो इस तरह से आप लोग को मिल सकती है नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ और हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अब देखो पेरेंट जो है वो पेरेंट नोड में अवेलेबल होता है, आप लोग यहाँ पर डॉट पेरेंट नोड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट पर और आपको पेरेंट नोड मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर पेरेंट नोड कैसे मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर आकर, ठीक है, पेरेंट नोड कर देना है, ठीक है। और मैं काम करता हूँ यार, इन चीज़ों को यहाँ पर लिखता हूँ अपनी रैपल में, ना कि वहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, मैं $0 आप लोग को बता रहा था, बट हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, एक एलिमेंट बनाएंगे, इस पेज को थोड़ी सी ब्यूटी देंगे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ फिटनेस वेबसाइट, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ मान लो, ठीक है, और इसके अंदर मान लो मैं बनाता हूँ एक डिव, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ मान लो क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट, और सेम चीज़ मैं करूँगा सेकेंड को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से, मैंने यहाँ पर लिखा डिव, मैं लिखूँगा बॉडी डॉट, या फिर मैं ये डिव हटा देता हूँ, ये चीज़ डायरेक्टली बॉडी के अंदर लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इसका जो चाइल्ड है यानी कि फर्स्ट चाइल्ड, या मैं काम करता हूँ क्योंकि हमको ये वाला डिव फर्स्ट चाइल्ड से मिल ही गया है, ये फर्स्ट चाइल्ड ऑफ बॉडी, और ये HTML में जो कमेंट है वो इस तरह से नहीं लिखे जाते हैं, HTML में कमेंट कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो माई बैड, ठीक है, मैं इस तरह से कमेंट लिखूंगा। अब आप देखो ये फर्स्ट चाइल्ड आ गया बॉडी का, ठीक है, बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। ये नहीं है बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड, क्यों नहीं है ये, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, यहाँ पर एक कमेंट नोड है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस कमेंट को यहाँ से हटाऊँगा और मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर दूंगा ताकि मुझे मिल जाए, और बाद में आपको बताऊंगा एक तरीका जिससे कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ ऐसे कर दिया ताकि यहाँ पर बॉडी का जो चाइल्ड है वो डिव आ जाए। तो सबसे पहले इसको कंसोल लॉक करेंगे हम लोग, ठीक है, script.js में ये देखेंगे कि क्या फर्स्ट चाइल्ड जो है हमारा वो प्रिंट हो रहा है, डिव है क्या, हाँ डिव है, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकेंड है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक वेरिएबल में डाल दूंगा जिसका नाम मैं रखूँगा ए, ठीक है, मैं कहूँगा ए इज इक्वल टू दिस। अब मैं यहाँ पर इसका पेरेंट प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं लिखूँगा ए डॉट पेरेंट नोड ऑफ पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब पेरेंट नोड ऑफ पेरेंट एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये भी आपको बताता हूँ। और यहाँ पर एक बार मैंने नोड कर दिया, एक बार मैं एलिमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देखो कि दोनों बॉडी हैं, पेरेंट नोड भी बॉडी है, पेरेंट एलिमेंट भी बॉडी है, दोनों बॉडी है, ठीक है। तो पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट में डिफरेंस क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो यार क्या होता है कि पेरेंट नोड जो होता है वो तभी रिटर्न करेगा कोई चीज़ जब वो नोड है, ठीक है, और अगर वो एक कमेंट नोड है तब भी रिटर्न कर देगा, टेक्स्ट नोड है तब भी रिटर्न कर देगा, कोई भी पेरेंट नोड, बस नोड होना चाहिए वो, ठीक है, नोड का मतलब नोड। लेकिन एलिमेंट सिर्फ इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हेड हो गया, हमारे पास एक वैलिड HTML एलिमेंट होगा अगर पेरेंट तभी रिटर्न करेगा वरना नल। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट जो कि HTML होता है
उसका डॉट पेरेंट एलिमेंट किया तो नल आया, क्योंकि उसका जो पेरेंट है वो कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो पेरेंट एलिमेंट नल आएगा। लेकिन उसका जो पेरेंट है वो डॉक्यूमेंट है, बट क्या डॉक्यूमेंट एक एलिमेंट है? नहीं, डॉक्यूमेंट एक एलिमेंट नहीं है। तो अगर पेरेंट एक एलिमेंट होगा तभी यहाँ पर रिटर्न किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा, वरना नल रिटर्न किया जाएगा। और यहाँ पर पेरेंट कुछ भी है रिटर्न कर दिया जाएगा, पेरेंट नोड डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है अभी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को बढ़िया लगा, ये सब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से करना है। और यहाँ पर अब मैं एक काम और करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर पेरेंट नोड को प्रिंट किया, मैंने यहाँ पर पेरेंट एलिमेंट को प्रिंट किया, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा ए डॉट फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, और फर्स्ट चाइल्ड के बाद लिखूँगा डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, और मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे सेकेंड मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिप डॉट फर्स्ट मिला, आई गेस ये सेव नहीं हुआ, मैं रिलोड करता हूँ दोबारा से। तो मैंने फर्स्ट चाइल्ड ए डॉट फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि इसका फर्स्ट चाइल्ड, ओके। तो मैंने यहाँ पर क्या किया मैं बताता हूँ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम इसके चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट नोड भी आ रहा है, तो मुझे अपनी HTML को लिटरली कॉम्प्रेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दी एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद मैं बताऊँगा कि किस तरह से एलिमेंट ओनली नेविगेशन किया जाता है, यानी कि अगर सिर्फ एलिमेंट्स ही हमको चाहिए तो कैसे हम लोग, मैं सेव कर रहा हूँ रैपलेट में, एक्चुअली वो मुझे कंप्रेस करके दे दे रहा है। आप देखो यहाँ पर सेकंड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट नोट्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया, कमेंट नोट्स को एलिमिनेट कर दिया, मैंने सब कुछ कंप्रेस कर दिया, तो इसका जो चाइल्ड है वो क्या होगा, एक एलिमेंट ही होगा, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा करने से तो हमको सेकंड मिलेगा, लेकिन अगर मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया कुछ इस तरह से तब मुझे सेकंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्स्ट नोड है जिसके अंदर ये एम्प्टी स्पेस है, फिर इसके बाद एक एलिमेंट है, फिर इसके बाद एक स्पेस है। तो जब हम फर्स्ट चाइल्ड नेक्स्ट सिबलिंग इस तरह के मेथड्स को रन करते हैं तो हमको एलिमेंट के अलावा भी नोड्स मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग देखेंगे सिर्फ एलिमेंट्स अगर हमें प्राप्त करने तो हम किस तरह से करेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।